हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे आपके तेलंगाना स्टेट की, जहां पर नंबर ऑफ टेक्निकल की वैकेंसीज को रिलीज किया गया था। आपके प्रीवियस मंथ में का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था और आपका टिल डेट 21/10/2022 तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डियर, अगर अभी तक आपने इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, कम से कम एक वीक का टाइम है। आप जल्दी से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विसेज का एज ए टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहां पर मोर देन 1500 प्लस वैकेंसीज है। अगर मैं इन 1500 प्लस वैकेंसीज की बात करता हूं तो इसमें सारी की सारी वैकेंसीज आपकी टेक्निकल लेवल की है। उसमें कुछ पोस्टें आपके पास उन्होंने साफ मेंशन किया है, कुछ असिस्टेंट इंजीनियर की है, कुछ म्यूनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की है, कुछ आपके पास टेक्निकल ऑफिसर की है एंड कुछ आपके पास जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की है। वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, तेलंगाना स्टेट ने यहां पर 1500 प्लस वैकेंसीज को निकाला है। डियर, अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो आपके पास मेंशन की गई यहां पर 21/10/2022 को। द पेमेंट ऑफ फीस विल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशंस। क्लियर है? फिर इसने जो बात किया है, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर गिवन बिलो। जो यहां पर ये टोटल 1500 प्लस वैकेंसीज जो निकाली है वो वेरियस डिपार्टमेंट में उन्होंने निकाली है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं डिपार्टमेंट वाइज, जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे है वो आपको सिविल इंजीनियरिंग की देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहाँ पर आपका नेम ऑफ द पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, कितना यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया है और कौन सा आपको यहाँ पर पे स्केल मिलने वाला है। डियर, अगर यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट की, तो उसमें आती है आपके पास असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियरिंग। किसमें? सिविल डिपार्टमेंट में चाहिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपके पास? 302, यानी कि 302 वैकेंसीज है। अगर बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से 24, मतलब 44 इयर्स, कितनी? 18 से 44 इयर्स तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जबकि यहां पर हम आपकी पे स्केल की बात करते हैं तो 54,220 से लेकर 1,33,630 रुपीस के बीच में आपका सैलरी अमाउंट रहने वाला है। सैलरी तो नो डाउट यार बहुत अच्छा है। अब किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं, जब से आपका 7 पे कमीशन आया है तो सैलरी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा बढ़ गया है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट, और सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा है? यहां पर आपका पंचायती राज है एंड आपका रूरल डेवलपमेंट है। जहां पर आपको कौन से चाहिए? असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियर चाहिए। किसके? सिविल डिपार्टमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली बात, सिविल में आपका क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए। यहां पे भी अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल 211 वैकेंसीज है। सिमिलर ही एज क्राइटेरिया एंड सैलरी आपका इतना ही रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूं तीसरे डिपार्टमेंट की, तो तीसरा डिपार्टमेंट है आपके पास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो आपकी नेम ऑफ पोस्ट रहेगी वो आपके पास असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियर की रहने वाली है। इसमें भी टोटल सिविल की जो वैकेंसीज निकली है वो आपके पास 147 है। डियर, उसके बाद हम बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट फोर में, तो फोर्थ में है आपका ट्राइबल्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसमें आपको जो पोस्ट मिलने वाली है एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियर की मिलने वाली है, जिसमें आपके पास थोड़ा पोस्ट कम है। कितनी? ओनली 15 पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फिर से इन आईटी एंड केयर डिपार्टमेंट। आपका आईटी और केयर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट रहने वाली है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियर की रहने वाली है एज ए सिविल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी? सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी 360। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कुछ मैकेनिकल्स की है, तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट में भी हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल की अगर हम करते हैं आईटी एंड केयर डिपार्टमेंट में तो 94 है, और जबकि बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की आईटी एंड केयर डिपार्टमेंट में तो कितनी है आपके पास? 150 वैकेंसीज निकाली गई है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं दूसरी केयर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो कितनी है आपकी? 100 वैकेंसीज है। उसी तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इन ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में मैकेनिकल की पोस्ट निकली है, कितनी है आपके पास? ओनली 3 पोस्टें हैं। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियर सिविल, किसमें चाहिए? आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। कितनी है आपके पास? 145 वैकेंसीज यहां पर तेलंगाना स्टेट ने निकाली है। ये उसके बाद अगर बात करते हैं आपके असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल में, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, तो कितनी निकाली है? 13 सीट्स आपको यहां पर निकाली है। डियर, तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने भी पोस्टें नहीं निकाली है। पोस्टें तो बहुत अच्छी पोस्टें हैं,
और अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा पोस्टें की, तो सिविल डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पोस्टें आप देख सकते हैं, 302 एक हो गई है, 211 एक हो गई है, 147 सिविल की एक हो गई है, 15 एक हो गई है। उसके बाद अगर देखते हैं आईटी एंड केयर डिपार्टमेंट में सिविल की 360 है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 145 है। यानी कि सिविल की तो यार बाढ़ आ गई है तेलंगाना में, यानी कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज एई में तो बहुत कम ही देखने को मिलती है। हम मान सकते थे कि यूपी में इतनी ज्यादा पोस्टें निकलती थी, बट जो 2021 का जो नोटिफिकेशन निकला था यूपी के अंदर, उसमें भी इतनी पोस्टें नहीं थी। क्लियर है? यहां तो भाई बहुत ज्यादा पोस्टें हो गई यार, इतनी पोस्टें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं निकलती है जितनी अकेले ही आपके तेलंगाना स्टेट ने यहां पर निकाल दी है। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं कुछ उनके क्वालिफिकेशंस की, कि आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां होनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूट इंजीनियर सिविल के लिए, जो मिशन है जिसका भागीरथ का, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी पोसेस ए बैचलर डिग्री। आपके पास बीटेक होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑथोराइज से, AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर इसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। क्लियर है? उसने ये साफ कहा है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन और एसोसिएट मेंबर इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, सिविल वालों के लिए। दूसरा अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, वो रहता है आपके पास इंजीनियर इन PR&RD डिपार्टमेंट। PR&RD डिपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने क्या मांगा है, आपसे बीटेक की डिग्री मांगी है। क्लियर है? उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, बस आपके पास ओनली सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फिर से असिस्टेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सर वहां पर कितनी है, क्योंकि जो सिविल में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो कितनी थी, देखिएगा यहाँ पर हमने कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट देखा था आपका, ये देखिएगा हेल्थ डिपार्टमेंट में 147 है। तो इसके लिए थोड़ा सा इन्हों की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, मस्ट बी पोसेस बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, वही बात आ गई है। और उसने फिर से कहा कि एक पास इन सेक्शन A&B ऑफ द AMI एग्जामिनेशन, और जिन लोगों ने यहाँ पर AMI से डिग्री की है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। क्लियर है? ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हो गए कि जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा और अपनी जो बीटेक की डिग्री होगी उन्होंने AMI के थ्रू किया होगा। क्लियर है? तो वो भी यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से हम वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं एज ए सिविल की, तो वहां पे भी उसने क्या मांगा है, आपके पास BE और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके सिविल में। क्लियर है? बस यही मांगा है। उसके बाद फिर बात करते हैं आपके IT एंड KE डिपार्टमेंट में, मैं सिर्फ सिविल वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसमें क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए, प्रेफरेंस है 5 की, यानी कि यही प्रेफरेंस है। अगर बात करते हैं बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, वही है, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा आपके लिए अगर सुनहरा अवसर आया है तेलंगाना स्टेट के अंदर, इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई, तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और जो भी दिन बचे हैं आपके पास उन दिनों को पूरा अपनी स्टेट के लिए दीजिएगा, क्योंकि स्टेट सर्विसेज भी आज कम सर्विसेज नहीं रही है। एक समय था कि जब स्टेट में आपको पास अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती थी, बट जब से 7 पे कमीशन आया है तो हर स्टेट का सैलरी अमाउंट बहुत अच्छा हो गया है। और आज की डेट में अगर मैं पहले की डेट की बात करता हूँ, जब हम 2000 से पहले जितने भी इंजीनियर्स थे वो बहुत कम ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय गवर्नमेंट सेक्टर्स में सैलरी अमाउंट बहुत कम था, जबकि प्राइवेट एंड PSU सेक्टर में सैलरी अमाउंट बहुत ज्यादा है। बट जब से अगर बात करते हैं 2010 के बाद, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी स्टूडेंट का रुझान और ज्यादा बढ़ गया है। जब और ज्यादा बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं सैलरी अमाउंट यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं इक्वली अमाउंट हो रहा है आपका ऐसे प्राइवेट की तरह। ठीक है, बट यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, आपको लॉन्ग टाइम तक आप एक जगह पर काम कर सकते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर क्या होता है, आप जितना काम करोगे आपको उतना अमाउंट दिया जाएगा, और आपकी जॉब वहां पर स्टेबिलिटी वाली भी नहीं होती है। डियर, तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आपके पास अभी भी 1 वीक का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर इसका जो पेपर्स होने वाला है वो किस तरह का होने वाला, यहाँ पे जो पेपर्स का लेवल रहने वाला है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला। यहाँ पे दो पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा और दूसरा आपका टेक्निकल ब्रांच का होगा। सिविल का वाले सिविल का पेपर देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का पेपर देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का पेपर यहाँ पर देंगे। डियर अगर हम बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होंगे उनके कौन कौन से सेंटर हो सकते हैं, हैदराबाद है यहाँ पर, और ये आपका करीमनगर है, आपका खम्मान है, आपका वारंगला है, आपका और निजामाबाद है, यानी कि आपके क्या है, आपके पेपर देने के सेंटर है। जब भी आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आप इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। डियर तो मैं यही कहूंगा यार, एक और बार आपको सुनहरा मौका मिला है, इस मौके को मत गंवाइएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी शायद ही आपके ड्रीम को फुलफिल करेंगी। आई होप आप जरूर इसमें सफलता पाओगे, और मैं आपसे यही उम्मीद चाहता हूं कि आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।